तो गाइस तो देख लीजिए, ये है हमारा गेमिंग पीसी जो कि मेरा माथा पूरी तरीके से ख़राब कर चुका है। इतना गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि कहीं खेत में ले जाकर इसको फेंक रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं सिस्टम मेरे को चालू किए हुए आधा घंटा हो गया है और आधा घंटा से ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। ये देखिए ये नया बीमारी कौन सा आ गया है, देखिए देख रहे हैं नया बीमारी। ये आधे घंटे से इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, बंद हो रहा है, ऑटोमेटिक चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इसका रीज़न पता नहीं है क्यों हो रहा है। देखिए आधे घंटे से ऐसा हो रहा है यार, किसी को नॉलेज है, कोई जानता है तो यार कमेंट कर दे, कमेंट कर दीजिए आप लोग, ताकि आपके कमेंट से हमारा एक भारी नुकसान होने से बच जाए। समझिए कि मेरा 20,000 रुपये पानी में चला गया है। मेरे को ऐसा सिस्टम, ऐसा कंप्यूटर मेरे को नहीं लेना चाहिए था। चलिए इस चीज़ से मेरे को एक सीख जरूर मिला कि मैं कभी भी ऑनलाइन किसी भी चीज़ को परचेस करने की कोशिश नहीं करूँगा। देखिए इतना गुस्सा आ रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। चलिए इसको पावर ऑफ करते हैं, बटन को हम ऑफ कर देते हैं, बंद हो गया, फिर से चालू करते हैं, चालू हो गया। अब चलिए इसको पावर ऑन करते हैं, ये रहा पावर ऑन, चालू हो गया। अब देखिए क्या होता है, फिर से वही समस्या चालू हो गया है। हम करें तो करें क्या, बस मैं सिंपल सा एक और उपाय करूँगा। इसमें जो मदरबोर्ड लगा है i7 का, घटिया साला i7 का, इसको मैं निकाल कर फेंक देता हूँ। जो मेरे ड्यूल कोर का है उसी को इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ, सीधी सी बात है। चलिए मैं अब इस काम को मैं शुरू करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत दिमाग ख़राब कर दिया है, ऐसा सिस्टम मेरे को नहीं लेना चाहिए था यार, बहुत पछतावा हो रहा है मेरे को।